हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नवजोत सिद्धू के गांधी परिवार से खुली बगावत। टॉप पर बैठे लोग चाहते हैं कठपुतली सीएम। कांग्रेस पार्टी में पंजाब के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर घमासान जारी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस लड़ाई में सीएम चरणजीत सिंह छतरी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने हैं। इस बीच सिद्धू गांधी परिवार के खिलाफ खुली बगावत के मूड में दिख रहे हैं। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में ऊपर बैठे लोगों को कठपुतली सीएम चाहिए। पंजाब में अपने समर्थकों के नारेबाजी के बीच सिद्धू ने कहा कि अगर नया पंजाब बनाना है तो ये मुख्यमंत्री के हाथों में है, इस बार आपको मुख्यमंत्री चुनना है। शीर्ष पर बैठे हुए लोग एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं जो उनकी धुन पर नाच सके। क्या आप ऐसा सीएम चाहते हैं? कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कहा कि मुझे तो आप लोगों से एक बात कहनी है कि यदि नया पंजाब बनाना है तो वो मुख्यमंत्री के ही हाथों में है। यदि आप ईमानदार सीएम चुनेंगे तो फिर वो ईमानदारी नीचे तक जाएगी। आप लोगों ने देखा ही है कि पिछले 25 से 30 सालों में कैसे दो मुख्यमंत्रियों ने पंजाब का बेड़ा गर्क किया है। ऊपर वाले तो चाहते हैं कि कोई कमजोर मुख्यमंत्री हो जिसे वो तथैया नचा सके और कहे कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। कहां कदरदान फिर ऐसा मिलेगा। इस बीच पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपना चेहरा घोषित करेगी। अपने पंजाब दौरे के दौरान राहुल गांधी ने ये बात कही थी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह छतरी को कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के सर्वे में छतरी सबसे आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी पंजाब में सीएम कैंडिडेट के लिए सर्वे करा रही है। इस सर्वे में कांग्रेस ने प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों से राय बनाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर दो ही नामों पर तेजी से चर्चा चल रही थी। सूत्रों का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को इस मामले में वरीयता नहीं दी जाएगी। जागरूक टीवी की चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट।